फाइनली दोस्तों टाइड वाला कार्ड आज रिसीव हो चुका, जो एक रुपे कार्ड है। और टाइड अकाउंट आप खोलते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में रुपे कार्ड मिलता है। आज इस वीडियो में आप इसकी अनपैकिंग तो देखेंगे ही, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे इसे एक्टिवेट करना है। साथ ही साथ टाइड अकाउंट की जो ऑफर है माइलस्टोन के तहत, वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से फ्री में अमेजोन वाउचर आप ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं माइलस्टोन, छोटे छोटे माइलस्टोन को कंप्लीट करके। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि टाइड अकाउंट खोलने के ऊपर डिटेल में मैं वीडियो दे चुका हूं, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। ये यूके बेस्ड ये कंपनी है, और इंडिया में कैसे आई, कौन इसका रजिस्टर्ड है नहीं है, सब कुछ मैं डिटेल में बता चुका हूं, उसका वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको अनपैकिंग करके दिखाता हूँ क्या क्या कुछ भेजे जाते हैं, किस तरह से भेजे जाते हैं, आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टाइड के तरफ से कुछ इस प्रकार से कार्ड भेजे गए हैं पूरा पैकिंग के साथ, और यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस और किट नंबर दी गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कार्ड नंबर के फर्स्ट 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट, और ये जो फटा हुआ है ये मैंने नहीं फाड़ा है दोस्तों, और किसी ने, मुझे लगता है कि कार्ड नंबर देखने के लिए ऐसा यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर दिया है, जो कि लास्ट के 4 डिजिट भी है। इसके पीछे के साइड में अगर देखें तो ट्रांसकॉर्प लिमिटेड है, जो कि मैं आपको पहले ही जानकारी इसके बारे में दे चुका हूं, टाइड प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। फटाफट मैं यहां से इसे ओपन कर लेता हूं। चलिए फटाफट यहां से ओपन हो चुका है, और यहां से मैं बाहर इसे निकालता हूं, देखता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पर अब कुछ नहीं है, इसमें खाली डब्बा है, फेंको उधर। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, वाओ बहुत अच्छा से दिया गया है इसमें। ओपन किधर से होगा, हाँ इधर से ये ओपन हो गया। और यहाँ पर जो है रुपे कार्ड दिया जाता है, ठीक है, टाइड लिखा हुआ है रुपे, जो कि आप देख सकते हैं केवल इंडिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिया के बाहर नहीं। बहुत अच्छा पैकिंग तो दी गई है इसके अंदर, तो और कुछ नहीं है। कार्ड के पीछे के साइड में रहता है पूरा नंबर कार्ड का, जो कि आप देख पाएंगे, मैंने तो ब्लर कर दिया है ऐसे, आप तो नहीं देख पाएंगे ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्ड के पीछे जो है पूरा नंबर रहता है, सीवीवी एक्सपायरी और आपका नाम भी रहता है। इस साइड में कुछ नहीं रहता जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ जानकारी शेयर किया गया है, उसे भी देख लेते हैं क्या क्या जानकारी शेयर किया गया है। बिल्कुल हिंदी भाषा में है, टाइड को चुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इन्होंने नीचे क्या लिखा है वो आप देख लीजिए, प्रिय ग्राहक हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका यह कदम आपके व्यापार की चौतरफा बढ़ोतरी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसके नीचे इन्होंने मेंशन करा है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके के बाद इन्होंने कहा है यूनाइटेड किंगडम में टाइड एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है, वहाँ हम आपके जैसे 4 लाख से ज़्यादा व्यापारियों को उनकी आमदनी का सही तरीके से हिसाब रखने में सहायता देते हैं। अब हम भारत में भी छोटे व्यापारियों को सरल, सुरक्षित एवं शीघ्र सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। साथ ही इन्होंने लिखा, हमारे भरोसेमंद सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया अपना टाइड एक्सपेंस कार्ड नीचे लिखे हुए आसान कदमों से आप जो है टाइड ऐप में जाकर एक्टिवेट करें। पहला स्टेप है कि आप टाइड एप्लीकेशन ओपन करें, दूसरा एक्टिवेट पर जाए, और तीसरा जो है यहाँ पर आप एक्टिवेट करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इन्होंने नीचे ये भी मेंशन करा है कि यह ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि RBI लाइसेंस्ड प्राप्त इकाई के सहयोग से आपको प्रदान किया जा रहा है, और यह रुपए द्वारा संचालित किया जाता है। आपका टाइड एक्सपेंस कार्ड आपके टाइड बिजनेस अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और यह रुपए इस्तेमाल करने वाले सभी व्यवसायों द्वारा स्वीकृत है। अब नीचे इन्होंने मेंशन करा है कि टाइड की सदस्य लेने पर आपको क्या क्या लाभ होगा, किस प्रकार के लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ इन्होंने बताया है कि टाइड बिजनेस अकाउंट के माध्यम से खर्च की निगरानी, देखो खर्च लिखना चाहिए लेकिन खर्च लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने लिखा है इंटरनेट बैंकिंग अथवा UPI से कार्ड बैलेंस लोडिंग की सुविधा, मतलब कार्ड में लोड कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है 2 लाख रुपए तक की मान्य प्रीपेड लिमिट और 3 लाख रुपए तक की मासिक अथवा दैनिक भुगतान सीमा, यानी पेमेंट करने की। उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है सदस्यों के लिए निरंतर हर कदम पर सहयोग की सुविधा आपको ये प्रदान करा रहे हैं। साथ ही साथ रियल टाइम पर सूचनाओं का
आदान प्रदान भी इन्होंने मेंशन करा है। लॉक अनलॉक और ब्लॉक करने की सरल प्रक्रिया है। रुपे नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले सभी ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवसायों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इन्होंने ईमेल भी मेंशन करा है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो ईमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इनके नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ टिप्पणी भी इन्होंने दिया है कि टाइड कभी भी गोपनीय जानकारी जैसे CVV OTP या अन्य कार्ड डिटेल नहीं मांगती है। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल आता है तो हमें तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें या ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें, यानी सूचना दें। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाया। इसके पीछे में अगर देखूँ तो पीछे के साइड में यही डिटेल्स जो है इंग्लिश में लिखी गई है, जिसे आप देख पाएंगे। ठीक है, चलो तो फाइनली यहाँ पर कार्ड अनपैक हो चुका है और ये है टाइड वाला कार्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इस कार्ड को एक्टिवेट कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से इसे भेजा गया है। तो एक्टिवेशन की प्रोसेस आप देख लीजिए और कैसे इसमें लिमिट सेट और रिसेट करना है वो भी देख लीजिए। तो अब आप देखिए कि कैसे टाइड जो कार्ड है उसे एक्टिवेट करना है। तो टाइड एप्लीकेशन को ओपन करिए, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉगिन कैसे होता है, हालांकि इस पर एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, मेरा ईमेल शो हो गया है। चलो इसके साथ ही मैं अपने नाम के ऊपर टैप करता हूं तो आप देख पाएंगे यहां पर लिख दिया गया है कि टाइड कार्ड जो है डिलीवर हो चुका है, एक्टिवेट करने का ऑप्शन है। फटाफट मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर टाइड नंबर दर्ज करना है, जो कार्ड का नंबर है वो दर्ज करना है। मैं इसमें से दर्ज करता हूं। टाइड के कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर कार्ड जो है एक्टिवेट हो चुका है। सेट प्रिफरेंस पर जाकर आप लिमिट को सेट कर सकते हैं। लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिमिट घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स पेमेंट इनेबल करना चाहते हैं, इसे इनेबल कर देंगे। लिमिट आप यहां पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को इनेबल करना चाहेंगे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे से आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हो गया, कार्ड एक्टिवेट हो गया है। व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे देता है। ठीक है ना, और कार्ड का यहाँ पर फ्रीज वाला ऑप्शन भी मिलता है, टेम्प्रोरी फ्रीज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करके आप फंड ऐड कर सकते हो UPI या इंटरनेट बैंकिंग से। यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हो, कार्ड देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप बैलेंस इसमें रखोगे ना वो कार्ड के मदद से आप इस्तेमाल कर पाओगे। और यहाँ पर मैसेज भी आ गया है कि भाई एक्टिवेट कर दिया गया है। चलिए, कार्ड से संबंधित सारा कुछ आपने देख लिया। अब माइलस्टोन वाला ऑफर देखिए कि टाइड में कैसे आप ऐड मनी करके अगर खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो आपको अमेज़न का वाउचर मिलता है, वो भी देख लीजिए। दोस्तों, टाइड के तरफ से ना ऑफर भी चलाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अभी 31 अगस्त 2023 तक ऑफर है, जिसमें टाइड ने कहा है कि आप 2000 रुपया स्पेंड करेंगे तो आपको 200 रुपये का अमेज़न वाउचर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट तो खोलना पड़ेगा, और कैसे खोलना है इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हर मंथ जो है इसका माइलस्टोन आता है। जैसे पहला माइलस्टोन है कि 2000 रुपये स्पेंड करो, 200 रुपया आप यहाँ पर अमेज़न गिफ्ट कार्ड अर्न कर पाओगे। उसके बाद दूसरा माइलस्टोन है कि महीने में आप 10000 रुपया स्पेंड करो, 200 रुपया अमेज़न गिफ्ट कार्ड आप ले जाओ। तो इस प्रकार से इनका माइलस्टोन और ऑफर चलते रहता है। अभी नया है ऑफर, ये देंगे ही। तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया जो देना चाहिए था। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और बिल्कुल फ्री में सब कुछ है, कार्ड भी फ्री में, सर्विस भी फ्री में मिल रहा है। डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ टाइड अकाउंट खोलने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर इच्छुक है आप खोलना चाहते हैं तो खोलिए, अगर यूज है तो, अगर यूज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत खोलो भाई, कोई इसमें मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, नए वीडियो में मिलते हैं।